बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज। आज हम स्वैपिंग का प्रोग्राम और उसकी लॉजिक को समझेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा जिसकी मदद से आपको ये प्रोग्राम समझ आ जाएगा। इसलिए इस पूरी वीडियो को आपने गौर से सुनना है और देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वैपिंग क्या है? हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स हों और उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना हो तो इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम Using namespace std int main। पहली चार लाइनें ये तो आपने हर प्रोग्राम में लाजमी लिखनी होती हैं, और प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं बता चुका हूँ कि इन लाइंस का क्या मतलब है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी। ए बी और सी क्या हैं? ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के नेम है, और इंट क्या है? इनकी डेटा टाइप है। सी आउट एंटर वैल्यू। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं आपको ये पता होना चाहिए इस स्टेटमेंट को पढ़कर कंप्यूटर क्या करेगा। हर स्टेटमेंट को लिखने का तरीका, और इसको लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिखने से कंप्यूटर क्या काम सरंजाम देगा। अब सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके लिखने से क्या होगा? अगर हम यहाँ पर आउटपुट लिख लें, आउटपुट, तो इसके लिखने से होगा एंटर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। एंटर वैल्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो चीज़ डबल कामास के अंदर होती है वो सी आउट की कमांड उसको एज इट इज प्रिंट करा देती है जैसे लिखा होता है। अब हम लिख देते हैं सी इन ए। इस लाइन के लिखने से कंप्यूटर क्या करेगा? यूजर से रन टाइम पर वैल्यू गेट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, दे देगा। लेट से हम वैल्यू एंटर कर देते हैं 20। 20 लिखकर हम एंटर करेंगे, वो 20 जाएगी कहाँ पर? सी इन की कमांड में, और सी इन की कमांड किसको देगी? ए वेरिएबल को। तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्राम समझना हो तो ये याद रखें, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को साथ के साथ रफ अमल में लिखते रहा करें। अगर आपने ये काम कर लिया और इसको लिख कर किया तो आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी रफ अमल में, वर्किंग में वेरिएबल्स की वैल्यू। तो 20 वैल्यू यहाँ पर हमने एंटर की, जो कि सीन में सी इन देगा किसको? ए वेरिएबल को। सी आउट एंटर वैल्यू सी इन बी। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा? यहां पर लिखा हुआ जाएगा आउटपुट में एंटर वैल्यू। ये लाइन लिखेंगे तो ये आएगा, ये लाइन नहीं लिखेंगे ये नहीं आएगा। और सी इन की कमांड से क्या होगा? हम एक वैल्यू एंटर करेंगे रन टाइम पर, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। लेट से हमने वैल्यू एंटर की 50। 50 लिखकर एंटर करेंगे, सी इन में जाएगी। सी इन किस वेरिएबल को दे देगी? बी वेरिएबल को। तो इसको रफ अमल में लिख लें, बी वेरिएबल। बस इसका ट्रिक यही है कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यू को रफ अमल में साथ के साथ लिखते जाना है, और इसको इसी अंदाज में आपने प्रैक्टिस करनी है, सेम टू सेम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए। इसके लिखने से क्या होगा? ए वेरिएबल अपनी वैल्यू सी को देगा। अब सी की वैल्यू लिख दें कितनी हो जाएगी? 20, क्योंकि ए वेरिएबल की वैल्यू 20 है। इस वेरिएबल को इधर लिख दें, ए इज इक्वल टू बी। अब इसके लिखने से क्या होगा? बी वेरिएबल अपनी वैल्यू किसको दे रहा है?
ए को, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती है याद रखिएगा। तो बी वेरिएबल ने यहां पर अपनी वैल्यू किसको दी है, ए वेरिएबल को दी है। तो ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, और पुरानी वैल्यू इसकी 20 जो है वो खत्म हो जाएगी। अब इस वेरिएबल को इधर लिखें, बी इज इक्वल टू सी, इसके लिखने से क्या हो रहा है, सी वेरिएबल अपनी वैल्यू बी को दे रहा है। तो सी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 20, वो किसको मिलेगी, बी। बी की पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती है और नई वैल्यू इसको मिल जाएगी, इसीलिए इनको वेरिएबल कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं इनकी वैल्यूज को, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंडल, और सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी, और आखिर में लिख देते हैं हम रिटर्न 0, और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा, इस लाइन के लिखने से प्रिंट हो जाएगा क्या, कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ये जो चीज डबल कामाज में है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, और इस ए के लिखने से क्या होगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू इस वक्त कितनी है, 50 है। एंडल से क्या करेगा, कंप्यूटर नई लाइन पे चला जाएगा। अब इस लाइन के लिखने से क्या होगा, ये प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, अब बी से क्या होगा, देखें जो चीज डबल कामाज में होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, इस बी के लिखने से क्या होगा, इस बी के लिखने से बी की वैल्यू प्रिंट होगी याद रखिएगा। और बी की वैल्यू यहां अगर आप ऊपर देखें, रफावल में हमने वेरिएबल की वैल्यूज लिखी थी वो कितनी थी, बी की वैल्यू 20 थी। तो डियर स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें, हमने क्या किया है, दो ए वेरिएबल की वैल्यू 20 थी अब कितनी हो गई, 50, और बी वेरिएबल की वैल्यू 50 थी अब कितनी हो गई, 20। तो इसको कहते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में तब्दील करवाना, इंटरचेंज कराना। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।